हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव मारवा। मेरे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे कैनन 700D के पूरे एक रिव्यू के ऊपर, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक नया रिव्यू अपडेट किया, जो कि वो वीडियो 2-3 साल पुराना है और अभी भी उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि फ़ोन कैमरा कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपने देखा, मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन करी, ऑटोमेटिक ऑन करा। अब ये देखो, यूजुअली सबका कैमरा A+ होता है, ग्रीन कलर का, क्योंकि इसका मतलब है ऑटोमेटिक मोड। इसमें कैमरा क्या करता है, अपने आप फोटोज़ क्लिक करता है। अच्छी खासी स्क्रीन ब्राइटनेस वैसे ठीक है, पर हल्की सी बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि देखो पिक्चर क्वालिटी मैं आपको अपडेट करूँगा, पूरी ढंग से दिखाऊँगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे तो लिटरली फोटो जब अभी खींच रहे थे और जब आप वीडियो के एंड में खींचना करोगे शुरू, बहुत डिफरेंस आ जाएगा, मेरी गारंटी है इस चीज़ की, लिटरली। खैर अब देखो, पहली चीज़ जैसे मैंने अपने कैमरे के भी देखो, अपने ब्राइटनेस बढ़ा ली। मैं यूजुअली प्रेफर करूँगा अगर आप इंडोर या आउटडोर कोई भी शूट करो, ब्राइटनेस को 5 पे सेट रखना। 5 एक बहुत ही मीडियम रेंज है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा लगेगा, बाहर दिखेगा ब्राइटनेस ज़्यादा थी, घर आके पता लगा अंधेरा बहुत था, तो इस सब का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है क्लियरली। एनीवेज आगे देखते हैं, जैसे कि अभी आप देखना, मैंने ये वाला जो मोड है ये बेकार है, सारे AV TV ये सब बेकार है, किसी काम के नहीं है कुछ खास। ये स्पोर्ट्स मोड है, यूजुअली सबको पता है फास्ट पिक्चर कैप्चर करने के लिए। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये कैनन का मेरा आप देख सकते हैं लेंस है, ये इसके काम आता है। इसकी सिर्फ फोटो खींचूंगा छोटी छोटी, तो उसमें क्लिप्स आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे। फिर लैंडस्केप के लिए है, देख सकते हो बहुत ही क्लियरली। ये पोर्ट्रेट है, इसमें क्या आप किसी पर्सन की फ़ोटो खींचोगे अच्छी आएगी, बट लगता है बूके आएगा, वाइट वाइट आएगा। ये देखो ये बहुत ही सही है CA। अगर आप एक नए यूज़र हैं, आप इसमें आके एक सेटिंग हल्की सी चेंज कर सकते हैं। इसका फ्लैश बंद करना पहले, तो फ्लैश बंद करने के बाद मैंने ऊपर से ढक्कन गिरा दूंगा, बंद हो जाएगा ऑफकोर्स। इसको फ्लैश बंद करके इसको ब्लर्ड वे में कर देना। कैमरे का मतलब ही तब है जब वो ब्लर पिक्चर अच्छी खींचे, ठीक है। फ्लैश ऑफ कर दी, अब जो पिक्चर क्लिक होंगी ना वो ब्लर ज़्यादा देंगी। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, अगर एक नए यूज़र है कैनन के तो आप CA पे ट्राई कर सकते हैं कुछ पिक्चर्स के लिए। लिटरली कुछ पिक्चर्स आपकी इससे बहुत बेहतरीन आ जाएंगी। बाकी अगर आप एक एडवांस यूज़र हैं तो फिर आप ऑफकोर्स मैनुअल पर ही जाएंगे। खैर अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर एक मोड और आपको मिल जाएगा, जिसमें आपकी वो कट जाएगी, सारी आपके फोटोज में से ब्राइटनेस हट जाएगी। A+ आपको बनता नॉर्मल ऑटोमेटिक मोड है। अब मैनुअल की एक आध छोटी छोटी सेटिंग बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, बाकी अगर कहोगे तो डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, कमेंट कर देना मैनुअल मोड के ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो। इसकी बेसिक छोटी छोटी चीज़ जान लो, मैं बहुत एडवांस लैंग्वेज में नहीं बोलूँगा। अपर्चर, यहाँ पर अपर्चर में आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ब्लर कम, जितना कम नंबर उतना ब्लर ज़्यादा। मेरा लेंस F3.5 सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने छोटा लेंस लगा रखा है, किट लेंस। आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, शायद आप किट लेंस हो सकता है, दूसरा लेंस हो, पर ये हर जगह वर्क करता है। जितना छोटा रखोगे उतना फ़ायदा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेरी यूज़र सेटिंग है कुछ पर्सनल, जिससे मैंने शार्पनेस को 1 बढ़ा रखा, सिचुएशन 1 बढ़ा रखी है। इससे जो मेरी पिक्चर है ना वो लिटरली बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। आप खुद अपनी पिक्चर क्लिक करके देखोगे, मेरी देखोगे, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। उसके अलावा जैसा मैं ये सीनरी देख रहे हो इसमें देखो, पर आपको जो डॉट्स भी बीच में देख रहे हैं फोकस एडजस्ट के लिए है। आपको पता है नहीं पता है दोनों, बट कई लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि किस चीज़ के लिए है। मीटरिंग मोड सेकंड, अगर आपको खींचनी है किसी पर्सन की तो सेकंड, किसी छोटी चीज़ की तो थर्ड वाला, और किसी पूरे एनवायरमेंट की लेन चाहते हो तो आखिरी वाले पर जा सकते हो। अब मेरे पिक्चर के सैम्पल्स देखो ये एक बार ही सारे। ये अब देखो ये पिक्चर इसने खुद ऑटो मोड पर क्लिक करी। अब पिक्चर में जूम जूम इनका फर्क दिखाऊंगा सिर्फ, और आखिरी में देखो मैंने क्या क्लिक करी थी मैनुअली। ये वाली पिक्चर ऑटोमेटिक खुद हुई थी, ये मैंने हल्का सा जूम बढ़ा दिया था CA मोड में। उसके बाद ये वाली पिक्चर में मैंने थोड़ा जूम और बढ़ा दिया, और अब देखो मैंने खुद जो क्लिक करी मैनुअली वो कौन सी थी, ये थी। इसमें देख रहे हो कलर कंट्रास्ट कितना अच्छा है, क्रिस्प है, ब्लर कितना प्यारा आ रखा है, और ये इमेज बिल्कुल एडिटिंग नहीं है। मैंने 1% की भी एडिटिंग करी नहीं, एडिटिंग करूँगा तो बिल्कुल ही बदल जाएगी इमेज, इतनी अच्छी आती है। अब देखो ये वाली पिक्चर मैंने बैकग्राउंड में ब्लर मारा है। ये सारे कंट्रोल तब आते हैं अपने हाथ में जब आपको पूरा मैनुअल ऑप्शन ढंग से यूज़ करना आ जाए। अगर ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं, जैसे ये वाली पिक्चर देखो कितनी खतरनाक क्लैरिटी है, और कितनी अच्छी जगह पे है जहाँ पे मेरे कवर का पूरा सा बाउंड्री, अब ये मत कहना कवर टूट रहा, ऑफकोर्स मैंने भी देख लिया, यहीं देख के मुझे आइडिया आता क्रैक आ गया मेरे कवर में। बूके देखो कितना प्यारा है, ये देखो ये एक नॉर्मल सी इमेज है, कैमरे की तरफ ब्लर ज़्यादा है, वो बिल्कुल ब्लर नहीं है, और जहाँ पे इसके चार्जिंग पोर्ट है वहाँ बिल्कुल ब्लर आता है। तो ये देखो अब ये है लैंडस्केप इमेज, एक तरीके से बैकग्राउंड है, और ये एक वॉलपेपर टाइप इमेजेस में यूज़ होती हैं।
अगर ऐसी पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हो लाइक इतने एडवांस लेवल पे, तो मैं उसके लिए ऑफकोर्स वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनेगा, बट मुझे कमेंट करना, मैं फॉर श्योर बना दूंगा। बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।